डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 ऊपर रैकेटिंग है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना? क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है जी, ये देखिए करना क्या है कि 1/7 का दशमलव प्रसार इतना दिया हुआ है। ठीक है जी, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या आप इसका इन सब का जो है दशमलव प्रसार बता सकते हैं, यदि बता सकते हैं तो कैसे? ठीक है, तो देखिएगा, चूंकि चूंकि 1/7 इजकल टू क्या दिया है, 0.142857। ठीक है जी, ऊपर में क्या है जी, 12। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो 1, 4, 2, 8, 5, 7 जो है, यह नंबर जो है ये बार बार डिजिट जो है मतलब बार बार आएगा, इसलिए उसके ऊपर जो है रेकर्डिंग लगा दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि आप क्या इन सब का भी दशमलव प्रसार बता सकते हैं? तो देखिए हाँ बता सकते हैं, चूंकि ज़रा देखिएगा, जब 1/7 बराबर इतना है इसलिए 2/7 बराबर हम इतना लिख सकते हैं, 2 × 1/7। ठीक है जी, इतना हम लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो इतना का तो वैल्यू हमें पता है, इतना का वैल्यू हमें पता है क्या है जी, तो इतना का वैल्यू है हमारा 0.142857। ठीक है जी, इतना है। अब इसमें क्या किया है जी, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो ये 2 से 7 में मल्टीप्लाई होगा, 7 × 2 = 14 का 4 बचेगा, बचेगा 1, 2 × 5 = 10, 11 का 1 बचेगा 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17 = 7 बचेगा 1, 2 × 2 = 4, 1 क्या हो जाएगा 5, 2 × 4 = 8 के 8, 2 × 1 = 2। ठीक है जी, 0.2×0=0। ठीक है जी, इस पर भी रेकर्डिंग हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरह से जो है हम इसको भी, इन सबको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कि ऐसे जो है इसको हम 1/3 × 1/7 करेंगे, तो 3 × 0.142857 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 का 1 बचेगा 2, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17 का 7 बचेगा 1, 3 × 8 = 24, 1 × 25 = 5 बचेगा 2, 3 × 2 = 6, 2 = 8 बचेगा कुछ नहीं, 3 × 4 = 12 का 2 बचेगा 1, 3 × 1 = 3, 1 = 4.0। तो ये वाला जो पार्ट है ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, आंसर देखिए इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, इन बाकी सब का भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आएगा। ये बाकी का जो चीज़ है ये अपने से करेंगे, यदि नहीं होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q≠0। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो भी नीचे क्वेश्चन दिया, जैसे कि ये क्वेश्चन एक हमने लिखा है 0.6, इसको P/Q के रूप में बदलना है। ठीक है, जहाँ Q बराबर नहीं हो किसके, जीरो के। ठीक है, जहाँ P और Q जो है कोई पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो जीरो के। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का सबसे पहले इसको देख के हम समझ रहे होंगे क्या कि ये शांत नहीं है, क्योंकि शांत होता तो हम इसको आसानी से बदल लेते। ठीक है, और शांत नहीं है तो थोड़ा बदलना
टफ होता है, ठीक है। देखिए क्यों शांत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रेकनिंग है, इसका मतलब है ये सिक्स जो है बार बार रिपीट होगा, ठीक है जी। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि जो रिपीटेड नंबर होता है यानी डेसिमल के पहले कोई संख्या नहीं है, ठीक है, और डेसिमल के बाद भी कोई ऐसा संख्या नहीं है, कोई ऐसी नंबर नहीं है, कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो कि रिपीट ना हो, ठीक है। यानी इसके बाद जो रिपीटेड नंबर होता है वो कितना है, वो कितना है यानी कितना नंबर जो है इस डेसिमल के बाद रिपीट होने वाला है। तो एक ही नंबर ऐसा जो दिख रहा है सिक्स कि जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम कैसे जो है इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि दशमलव के बाद जो है कितनी संख्या जो है, कितनी डिजिट जो है रिपीट होने वाली है। तो यहाँ पे क्या है जी, मात्र एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माना कि x बराबर 0.6, ठीक है जी, x बराबर 0.6, यहाँ पे रिपीट होने वाली संख्या कितनी है जी, एक डिजिट है जो कि रिपीट होगी, ठीक है। तो जितनी डिजिट डेसिमल के बाद जितनी डिजिट जो है कि रिपीट होने वाला होता है उसको जो है सोचना है कि क्या करें कि ये जो रिपीटेड नंबर है वो डेसिमल के बाहर आ जाए, यानी रिपीट होने वाले से बाहर आ जाए, यानी इस साइड आ जाए, ठीक है, यानी डेसिमल के पहले आ जाए, ठीक है। तो करना क्या होगा कि यदि हम इसमें डेसिमल के बाद वन डिजिट है तो इसमें 10 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों ओर, एक तरफ नहीं दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, ठीक है जी, 10 से गुणा करने पर। अब देखिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर, ये हो जाएगा 6.66 चूंकि ये 6 के ऊपर रेकनिंग का मतलब है कि ये 6 जो है बार बार आएगा, तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, तो जो है हम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको कर लेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है जी। अब देखिए क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 2-1 करने पर, ठीक है जी, इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2-1 करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 है 10x बराबर 6.666 सॉल्व, ठीक है। अब देखिए इस ये है हमारा x बराबर 0.666 लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारा 9x, ये हो गया 0.6 बराबर रहेगा बीच में। अब देखिए इस x बराबर, इसलिए x बराबर ये 6 के बाद डेसिमल के बाद 0 आए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए 6/9, ठीक है जी, इसको कटा लीजिए तो ये हो जाएगा 3×2 6 और ये हो जाएगा 3×3 9, ठीक है। अतः 0.6 बराबर हो जाएगा 2/3 आंसर। इसे जो है हम पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए, पी बाई क्यू के रूप में हमें लिखना था, पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यदि संख्या जो रिपीट होने वाला है, यदि डेसिमल के बाद कोई ऐसा संख्या है जो बार बार जितनी डिजिट है डेसिमल के बाद जितने डिजिट रहे रिपीट होने वाले, रिपीट होने वाले का पहचान क्या होगा, ऊपर रेकनिंग होगा या फिर लिख के दिखाया होगा कहाँ से कहाँ तक जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाले जितने डिजिट होंगे उसके हिसाब से कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कि उसमें से जो है कि वो बाहर निकल के आ जाए, डेसिमल के इस साइड आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे एक डिजिट था, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया तो क्या आया जी, 2/3, ठीक है। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिएगा यहाँ पे 0.47 और 7 के ऊपर जो है रैकेटिंग है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो है एक दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं होगा और एक डिजिट है जो रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन में माना कि 0.47 माना कि x बराबर 0.47। देखिए यहाँ पे जो है जब नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट होने वाला नहीं है वो एक है, तो क्या करेंगे फिर जो है, तो जब एक है तो एक को एक डिजिट है तो इसको कितना से गुणा करेंगे कि ये एक जो डिजिट है वो इस डेसिमल के इधर आ जाए यानी राइट साइड में आ जाए। तो जाहिर सी बात है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है जी, देखिए गुणा कीजिए तो 10 × x बराबर 0.47 या इसको लिखिए 477 ... ठीक है ×10, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ हो जाता है ये 10x बराबर ये हो जाता है 4.777, इसको कर लीजिए इक्वेशन सेकंड पुनः जो है। इसके बाद देखिएगा अब जो है कि इसमें रिपीट होने वाली संख्या को देखिए, रिपीट होने वाली डिजिट को देखिए, तो रिपीट होने वाली डिजिट कौन सा है जी, 7 है, ठीक है। तो अब इस 7 को जो है इसको डेसिमल के इस साइड लाना है यानी रिपीटेड नंबर को जो है, एक रिपीटेड नंबर को जो है डेसिमल के इधर ला लेना है, ठीक है। तो डेसिमल के इधर लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में तो ये जो है कि फिर से हमारा क्या आ जाएगा जी, ये 7 जो है बाहर आ जाएगा। समीकरण 2 के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है जी। तो इसमें 10x × 10 बराबर 10× 4.77, ठीक है जी, ।, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 100x बराबर 10, तो ये हो जाएगा 447.77, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 47 आ गया, यहाँ पे बाद में जो है क्या आ गया 77 और इसमें भी आ गया बाद में 77। जब ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3, ठीक है जी। अब क्या करेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है जी। समीकरण 2 करने पर देखिए तो क्या करते हैं कि समीकरण 3 है हमारा 100x बराबर 47.7777, ठीक है जी, और ये है हमारा 10x बराबर 4.777। जब ऐसा आ जाए तो हम घटा लेंगे, ये हो जाएगा 000, ये हो जाएगा 43 होगा और इधर हो जाएगा हमारा 90x, ठीक है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 43/90, ठीक है, ठीक है जी। अतः x बराबर 0.47 बराबर हो जाएगा 43/100 आंसर, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है जब एक डिजिट जो है बिना रिपीट होने वाला हो और डिजिट जो है रिपीट होने वाला हो, दोनों एक साथ है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। बेसिकली हमें समझ मतलब कि कॉन्सेप्ट इतना रखना है कि घटाने के लिए कुछ ऐसा है कि ये नंबर जो है पूरा बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आ जाता है घटा देंगे तो हमारा वो आंसर आसानी से आ जाता है, ठीक है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 0.001, ठीक है जी, और इसके ऊपर में रैकेटिंग है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो सेम कंसेप्ट वही है, ठीक है। अब देखिए 001 है, तो देखिएगा बहुत ही आसान है। माना कि x बराबर 0.001, ठीक है जी, इसको समीकरण एक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यदि समझ में आया तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए डेसिमल के बाद तीन डिजिट है जो पुनरावृत्त हो रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तीनों डिजिट को जो है डेसिमल के इस साइड लाना है, ठीक है। मेन फोकस यही रहना चाहिए कि जितने डिजिट रिपीट होने वाले हैं उसको जो है डेसिमल के इस साइड ला देना है, ठीक है। तो जितने डिजिट इधर रिपीट होने वाले हैं उसको इधर लाने के लिए क्या करना होगा जी, हमें 1000 से दोनों तरफ क्या करना होगा, गुणा, ठीक है। तो दोनों ओर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए इस एक हजार गुणे एक्स बराबर ये हो जाएगा एक हजार गुणे 0.001, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर ये हो जाएगा 001.001001। इसको जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम बार बार ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको हम कर लेंगे क्या, समीकरण दो, ठीक है। इतना तो बाहर आ गया, जाहिर सी बात है कि ये और भी रिपीट हो सकता है, तो इतना हमको बाहर ला लिए, डेसिमल के इस साइड ला लिए, बाकी को जो है फिर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण एक, समीकरण दो और समीकरण एक में कुछ घटाने वाला बच गया है, तो देखिए तो इतना जो है इसमें भी है, इसमें भी है, सेम सेम है, तो हम घटा सकते हैं। देखिए समीकरण दो माइनस एक करने पर, ठीक है जी, समीकरण दो है हमारा 1000x बराबर 0.001.001, ठीक है जी, और ये है हमारा x बराबर 0.001, इसमें भी डॉट डॉट, इसमें भी डॉट डॉट, ठीक है, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 199x बराबर ये हो जाएगा हमारा 1.000, ठीक है जी, 001, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/999, ठीक है। अतः 0.001 बराबर हो जाएगा 1/999 आंसर, ठीक है जी। तो ये कुछ नहीं है, यदि कहीं दिक्कत होता है तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर है 0.999... को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें, ठीक है जी। यानी कह रहा है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यदि व्यक्त करने पे आपको आश्चर्यजनक फील हो रहा है तो आप जो है इसके उत्तर की सार्थकता के लिए अपने सहयोगी और अध्यापक से चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को, तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कुछ नहीं, ये बिल्कुल ही, यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 देखे हैं तो उसी तरह से जो है ये भी सॉल्व होगा, देखिएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 0.99, ठीक है। तो देखिए 0.9999... ठीक है, इसका मतलब क्या है जी, ये ऐसे है 0.99 के ऊपर डॉट है, यानी ये 9 जो है बार बार रिपीट होगा, तो हम इसको 9 के ऊपर डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है, चूंकि इसलिए, ठीक है।
इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। माना कि x बराबर 0.9 समीकरण फर्स्ट, ठीक है जी। अब देखिए इस एक डिजिट जो है डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे कि इस एक डिजिट को जो है क्या करें कि ये डेसिमल के राइट साइड आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ 10 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ, क्योंकि x मान लिए हैं तो दोनों तरफ किए बिना नहीं हो सकता, एक तरफ हम नहीं कर सकते, वो गलत प्रोसेस हो जाएगा। तो दोनों तरफ x 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 0.9, या इसको ऐसे कर दें 9, ठीक है। ये हो जाता है हमारा 10x बराबर, ये हो जाता है हमारा 9.99, ठीक है जी। अब देखिए 99 इधर भी और 99 इधर भी, तो हम क्या कर लेंगे, इसको अब घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ठीक है जी। देखिए ये हमारा 10x बराबर 9.999 सोन, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0.999, रेकडिंग है ऊपर, तो इसको हम बार बार भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। माइनस कर दीजिए तो ये हो जाता है हमारा 0.9 बराबर, ये हो जाता है हमारा 9x, इसलिए x बराबर हो जाता है 9/9 बराबर 1, ठीक है जी। इस 1 को जो है हम p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 1/1, ठीक है जी। तो इसको हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसे जो है 1 आ गया, तो 1 आएगा क्योंकि बच्चों जब कोई संख्या जो है बार बार रिपीट हो, या आप सन्निकटतम मान निकालने के लिए पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, तो आपको पता होगा कि ये कैसे आ सकता है। फिर भी कोई नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे जो ये हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जब ये 0.999 ये .. अनंत तक जाएगा, ठीक है, ये अनंत तक जाएगा, और अंततः ये जाते जाते एकदम एक के करीब तक जाते जाते क्या होगा, एक समय क्या होगा कि ये एक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नो 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 आते आते एक समय ये ऐसा आएगा कि ये एक के रूप में बदल जाएगा, इस तरह से जो है इसका मान जो है एक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, या फिर सन्निकटता के नियम से भी जो है ये एक हो जाएगा, ठीक है। लिखा 0.9999 .. बराबर हो जाएगा 1 बराबर 1/1, ठीक है। इधर लिख लेंगे क्योंकि इसमें क्या करना है जी, आश्चर्यजनक ना हो इसके लिए, क्योंकि 0.9999 .. अनंत तक जाता है यह एक के करीब पहुंच कर अंततः एक के बराबर हो जाता है, ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ समाप्त। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट वाइज हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।